नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार, देहरादून से दिल्ली तक नेताओं की कवायद हुई तेज, अब विधायक दल की बैठक में लगेगी मुखर। उत्तराखंड में फूलदेई लोक पर्व का आगाज, फूलों की टोकरी लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे बच्चे कार्यवाहक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर भारतीय जनता पार्टी के हमले तेज, अनुकृति गुसाई की हार पर दिलीप सिंह ने साधा निशाना, कहा विश्वसनीयता खो चुके हैं हरक सिंह रावत। कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, झगड़े में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत, तीसरी लहर में एक दिन में सबसे कम केस, 24 घंटे में मिले मात्र 14 संक्रमित, कोई मौत नहीं। चलिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तराखंड की सियासत पर भाजपा और कांग्रेस में कसरत जारी है। चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल कर भाजपा में जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस में हार को लेकर कुलबे कलह सामने आ रही है। बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भाजपा में दौड़भाग जारी है। मुख्यमंत्री को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में अपना डेरा डाले हुए हैं, जबकि भाजपा के कई नेता दिल्ली में डटे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार होली के बाद 19, 20 या फिर 21 मार्च को विधायक मंडल के दल की बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आलाकमान को ही करना है। उत्तराखंड में फूलदेई का उत्सव शुरू हो गया है। सुबह सुबह ही बच्चे हाथों में फूलों की टोकरी लेकर लोगों के घरों की डेहरी पर फूल डाले निकल पड़े हैं। राजधानी में कुछ बच्चे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने अपने आवास पर पहुंचे बच्चों को उपहार भी भेंट किए। शशिभूषण मैठाणी और पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसंत के आगमन के साथ मनाए जाने वाले फूलदेई लोक पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान लाल पीले फूलों और चावल के साथ घर की डेहरी की पूजा की जा रही है, तो वहीं इसको लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई काफी पारंपरिक पर्व है। इसका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है। सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाने के बाद जब ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है, तब फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। तो वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद अब बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडॉन विधायक दिलीप सिंह रावत ने मीडिया से चर्चा की। इसमें दिलीप सिंह ने हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद उनकी हकीकत सामने आ गई कि वे कितने बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि वे अविश्वसनीयता खो चुके हैं। आपको बता दें कि लैंसडाउन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह रावत ने जीत दर्ज की है, जो लगातार तीसरी जीत उनकी रही। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े हैं। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है।
और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि इन जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज की धरोहर नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी कुछ महज दिन ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बार फिर जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहाँ एक पप्पू बंबई का टिकट लेने गया। दरअसल धन सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल को यहाँ पप्पू कहा। उन्होंने कहा कि उनको मुंबई भेज देंगे और श्रीनगर पालिका अध्यक्ष के प्रति प्रदीप तिवाड़ी को 25 पैसा बताकर उन्हें करनाल भेजने की बात कही, तो वही पूनम तिवाड़ी को चुलररी कहकर करनाल भेजने की बात कहते हुए दिखे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है किसी भी सम्मानित नेता को इस तरह की हल्की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। और सभी कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों से गदरपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को हराया है। यहां से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 1120 मतों से पराजित किया। कांग्रेस ने हार के बाद मंथन किया। क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि आम जनता से प्यार मिला है, मैं हारा नहीं हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने एक सामान्य से व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया है, धनबल के सामने मैं परास्त हुआ हूं। भीतरघात की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना देकर कार्रवाई की जाएगी। अंक गणितों के हिसाब से तो हार ही है, और जहाँ तक लोगों का प्यार की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। मैं आज इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप लोग आए, एक जगह बैठते हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है मैंने किया था। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया। इस समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं ने आके अपनी भावनाओं से सभी कांग्रेसजनों को अवगत कराया। बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को लेकर के संशय था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम लोगों ने एक आकलन, एक पूरा मैप तैयार किया है, पूरा एक आकलन किया है कि प्रत्येक बूथ में कौन कौन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया, किस लोगों ने हमारे फायदा किया, किन बूथों से हम जीते, कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खिलाफ काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे बिंदु थे जिन पर आज चर्चा हुई। उधम सिंह नगर जनपद के विधानसभा कटीमा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का भव्य स्वागत किया गया। भूमिसेन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी और संरक्षक मीना सोनकर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने भुवन कापड़ी को जीत की शुभकामनाएं दी और उनके माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें शॉल उड़ाकर चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। विधायक भुवन कापड़ी ने जनता से मिले आशीर्वाद और प्यार का आभार जाहिर किया। जनता का सौभाग्य है कि ऐसा विधायक मिले हैं जो ईमानदार, स्वच्छ, साफ छवि के हैं, मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने इन्हें बदनाम करने की कोशिश करी। मगर जिसको राके साइयाँ मार सके ना कोई, कुछ ऐसा है ना जिसको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, जो सत्य है वो भगवान जानता है, इसलिए सत्यता की विजय। और जो दलाली प्रथा करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले हैं, जनता का में भेदभाव रखने वाले, आज तक जब जब भी मैं जो चुनाव लड़ा मेरा बहुत सहयोग हुआ और आज बड़े उत्साह के साथ जीत का जश्न हमारे वार्ड में मनाया गया। और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवा साथियों का, हमारी माताओं का, बहनों का, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी ग्रामजोशी से आपको स्वागत किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में वार्ड में आपका भाई, बेटा, दोस्त बनकर ही काम। अब खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां गाड़ी घाट इलाके में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की
मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मामूली सी बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच कहासुनी हो गई और ऐसे में बढ़ते बढ़ते ये कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस ने झूला बस्ती में जाब्ता तैनात कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। में है ये पहले एक किसी कारण से एक पॉइंट पे झगड़ा हुआ था और फिर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे जगह दूसरे मोहल्ले में फिर जो है झगड़ा हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण जो दूसरी जगह पे झगड़ा हुआ उसमें किसी की मृत्यु हो गई है और ये स्पॉन्टेनियस झगड़ा था, ऐसा कोई प्लान झगड़ा नहीं था और ना ही इसमें कोई सांप्रदायिक कुछ ऐसा वो था। तो एक झगड़ा था और झगड़े इतना बढ़ता गया कि उसमें जो है कई लोग घायल हो गए और किसी एक की। भागीरथी नदी की तेज धाराओं में फंसे एक वन्यजीव को रेस्क्यू कर सकुशल नदी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार उत्तरकाशी मणिकर्णिका घाट के पास भागीरथी नदी की दो धाराओं के बीच टापू पर एक हिरण का बच्चा फंस गया था जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना प्राप्त होते ही SDRF उत्तरकाशी की टीम मौके पर पहुंची और नदी में फंसे वन्यजीव को नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला और वन विभाग को सौंप दिया। उत्तराखंड के मंगलौर में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, साथ ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। इस सेमिनार में देहरादून के डॉक्टर माथुर ने बताया कि मेडिकल लाइन के अधिकांश बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन इस लाइन में भारी फीस की वजह से प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा नहीं ले पाते। ऐसे में सरकार ने सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कई बेहतर विकल्प दिए हैं और स्कॉलरशिप के जरिए योग्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। मंगलौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ड्रॉपआउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे 12वीं के बाद या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और यहाँ पर मौके भी पूरे नहीं हैं। तो उसकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इलेक्शन और सब कुछ अपनी जगह अलग चीज़ है लेकिन हम जो समाज सेवा के लिए मैदान में आए हैं तो इसी समाज सेवा को करते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। उत्तराखंड के काशीपुर में इन दिनों कुमाऊनी बैठ की होली की धूम है। यहाँ होलियार होली के रंग में डूबे हुए हैं तो वहीं जगह जगह अबीर और गुलाल उड़ाकर होली का उत्साह उल्लास मनाया जा रहा है। इसी के चलते गिरिताल के पास दुर्गा कॉलोनी में परमानंद डूंगरा घूठी की आवाज पर आयोजित कुमाऊनी बैठ की होली में महिलाएं लोक गीतों पर झूमती हुई नजर आई। इसी के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं। होली का त्यौहार तो बहुत ही बढ़िया प्रेम से आपसी भाईचारे से मनाया जाता है। खास तौर पे कुमाऊं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा हल्द्वानी या काशीपुर और अल्मोड़ा, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा होली का वो है, होली की धूम जो इस समय आपको देखने को मिलेगी। आज हमारे वहाँ होली का प्रोग्राम है इसलिए हमारे वहाँ होली भगवान के नाम पर गाई जाती है। पहले जैसे कृष्ण सुदामा प्रसन्न है और ये भागीरथ गंगा जी का वो है, जैसे भागीरथ जी गंगा जी लाए थे, इसी नाम पर होलियाँ गाई जाती हैं। और हमारे वहाँ जो महिलाएँ हैं कुमाऊँ में वह अधिकतर गाई जाती है, बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है। सारे वो बहुत ही धूमधाम से बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाती है होली। जेंट्स लोग दिन भर जॉब भी करते हैं और रात को बहुत ही धूमधाम से शास्त्रीय संगीत को लेकर तबले बाजे के साथ बहुत अच्छा पूरी रात कुमाऊनी बैठ की होली होती है। और दिन में महिलाएँ, आप सोचिए कि महिलाओं का जोश देखिए कि घर का काम भी करती हैं, दोपहर और शाम में जाके अपने होली का संगीत में माहौल भी बना रहता है। और रंगों का त्यौहार बाकी भाईचारे का त्यौहार है। होली कैसे मनाई जाती है, क्या कहा? होली तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, होली बिल्कुल दिल से। कुमाऊं की अगर होली कहें तो बहुत सदियों से मनाई जाती है, लगभग 15वीं शताब्दी से कहा जाता है। इतिहासकार लोग बताते हैं कि 15वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी चंपावत में, गढ़ चंपावत कहते हैं, चंद्रवंशी राजाओं से। और ये जो मुख्यतः होली होती है कुमाऊं की, 3 प्रकार की होली होती है। पहली जो होती है बैठ की होली, खड़ी होली एंड महिला होली। बैठ की होली जो शुरू होती है वो बसंत पंचमी से शुरू होती है और घर घर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर में एक ही दिन में सबसे कम संक्रमित मिले, जबकि किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। ये राहत की बात रही, बीते 24 घंटे में
5 जिलों से मात्र 14 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 30 संक्रमित रिकवर हुए। इसके अलावा 361 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। बता दें कि 24 घंटे में 4153 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और संक्रमितों की संख्या घटकर 91,810 हो गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जी हां, सीपीओ की टीम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यहां जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर सीपीओ की टीम ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे हैं। इसके चलते सीपीओ की टीम ने दर्जनों दोपहिया वाहनों के चालान काटे और जुर्माना वसूला। तो वहीं जिन लोगों ने मौके पर जुर्माना देने से इनकार किया उनके चालान काटकर कोर्ट में भेजे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।